वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे, सो लेट्स बिगिन। अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग मेथड है जिसमें साउंड वेव का यूज़ किया जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हियरिंग की ऑडिबल लिमिट से अबव होती है, यानी कि उन फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव अल्ट्रासाउंड में हम यूज़ करते हैं उनकी उन साउंड वेव्स को ह्यूमन बॉडी सुन नहीं सकती। वो साउंड वेव हम यूज़ करके इमेज फॉर्म करते हैं, यानी कि सोनोग्राफिक इमेज बोलते हैं जो अल्ट्रासाउंड में फॉर्म की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और उन सोनोग्राफिक इमेजेस हम जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको इमेज करके अलग अलग डिजीज़ का डायग्नोस और ट्रीटमेंट निकालते हैं। वो इमेजेस हमें वाइटल इंफॉर्मेशन देती हैं जो कि हेल्प करती है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी डिजीज़। एंड अलग अलग कंडीशन होती है सब डिजीज़ की, उनमें हेल्पफुल होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सेफ इमेजिंग माना गया है एज़ कम्पेयर टू एक्सरे और सीटी। सो मोस्टली प्रेफर अल्ट्रासाउंड इन फ्यू डिजीज़। सो ये है हमारा अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड का यूज़ करते हैं जिसकी रेंज होती है 2 से 15 मेगा हर्ट्स तक, और जो कि ह्यूमन हियरिंग ऑडिबल लिमिट के ऊपर होती है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बींग जो है हमारे, वो उसकी ऑडिबल लिमिट होती है 2 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो जो इसकी रेंज है ये अपर होती है, इसको ह्यूमन बॉडी सुन नहीं सकते। और जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो डिटेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस और डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की मदद से हम अल्ट्रासाउंड की इमेज फॉर्म करते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। और अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसड्यूसर है इसमें हमारा होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो हमारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्म किससे होती है, अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर से, जिसमें हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब हम अल्टरनेटिव करंट अप्लाइड करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ये ग्रो करता है और श्रिंक करता है, जिसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट होती है काफ़ी हाई स्पीड से, और इससे ही हमारा प्रोड्यूस होता है अल्ट्रासाउंड। अब प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड जो वेव है वो ट्रेवल करती है ह्यूमन बॉडी के, इंट्रैक्ट करती है वेरियस ऑर्गन के, और उसको एक तरह से जो हमारा ट्रांसड्यूसर प्रोब है वो लगाया जाता है ह्यूमन बॉडी को विद द हेल्प ऑफ अ जेल, जिससे कि कनेक्शन क्लोज़र हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल से। तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड वेव है वो ट्रेवल करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंट्रैक्ट करती है वेरियस ऑर्गन को, देन वापस आती है, बाउंस बैक होती है, और ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा ट्रांसड्यूसर ही होता है, उसकी जो रिटर्निंग इकोज है ऑब्जेक्ट, जो हमारी साउंड वेव्स आई हैं वापस, उनको फॉर्म एक तरह से जब बैक ऑफ आती है साउंड वेव्स, उनको हम कहते हैं इकोज। तो उन इकोज को कलेक्ट किया जाता है, तो यह बेसिकली इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। देन उसके बाद जो हमारे रिफ्लेक्टेड साउंड है यानी कि ईको है, वो वापस आके जो हिट करती है, बाउंस बैक जो करके आई है हमारी, वो हिट करती है हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को। फिर हमारा रिवर्स इफेक्ट फॉर्म होता है, यानी कि जो हमारी ईकोज है वो हिट करती है, कोज करती है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है बाय साउंड वाइब्रेटिंग करती है, देन क्रिस्टल को, जो हमारा क्रिस्टल है उसको वाइब्रेट करती है, और क्रिस्टल उसी एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
अब जो हमारा जो हमारी साउंड वेव है, जितना हमने जिस टाइम पे हमने भेजा था और जिस टाइम पे हमने रिटर्न किया था, उसको टाइम को मेज़र किया जाता है। टाइम की कितना जब हमने साउंड भेजी थी और रिसीव की है, उसका टाइम इंटरवल क्या है, उसको कंप्यूटर कलेक्ट करता है। और एम्पलीट्यूड कितनी थी साउंड की जब हमने भेजी थी और जब वापस आई है, और पिच क्या है उस साउंड की, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर एक्सेस करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और उसी के बेसिस पे हमारी अल्ट्रासोनिक इमेज फॉर्म होती है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेप्थ कितनी है और स्पीड क्या थी। तो इन सब चीज़ों से हम डिज़ीज़ की फाइंडिंग्स की और वेदर ऑर्गन इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट इन गुड कंडीशन, ये सब पता लगाते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में, जिसमें हम साउंड वेव्स की मदद से डायग्नोस निकालते हैं कि व्हाट विल बी द डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स, उनके इकोस से, डेप्थ से एंड टाइम से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।